नमस्ते डॉक्टर साहब, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने साथी डॉक्टर्स की हेल्प के लिए कुछ वीडियोस बनाता आ रहा हूँ काफ़ी समय से। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या, वुंड हीलिंग की ऐसी समस्या जिसको लेकर के हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, खास तौर प्रोक्टोलॉजी की फील्ड में, पायल फिशर फिशला के फील्ड में, के ऑपरेशन के बाद, या जो हम लोग मरीज के सीट बात के बोलते हैं, या कोई और बीमारी होती है जहाँ पर हमको एंटीसेप्शन की जरूरत पड़ती है, या खास तौर पर घाव भरने के लिए वुंड वॉश के लिए हम लोग आमतौर पर एलोपैथ या अंग्रेजी दवाइयाँ इसको बोलते हैं, विदेशी दवाइयाँ या पश्चिमी दवाइयाँ इनको बोलते हैं, उनके ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं बहुत ज़्यादा। जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है बीटाडीन, बीटाडीन तो ब्रांड है, टिपाउरिन आयोडीन उसमें जो फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं कि पानी में घोल करके उसको यूज करना है, सिर्फ बात करानी है पायल फिशर फिशला के पेशेंट को तो गर्म पानी में उसको डालना है, या फिर किसी को वुंड वॉश कराना है तो उसको डालना है। परंतु इसका क्या समाधान हमारे पास नहीं है, आयुर्वेद में नहीं है? बिल्कुल है सर, आयुर्वेद में अगर हम किताबों को पलटा के देखें तो बहुत से ऐसे फॉर्मूले दे रखे हैं, चीज़ दे रखी है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, एक साथ मिला के भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जिसका बहुत अच्छा काम आता है सिर्फ बात में पानी में डालने के लिए, गर्म पानी में डालने के लिए या वुंड वॉश के लिए, यहाँ तक कि उनको हम खा भी सकते हैं क्योंकि हर्बल या ऑर्गेनिक होती हैं वो। तो उसी को आज बात में कुछ चार छः मेडिसिन के बारे में बात करेंगे हम, जो कि हम लोग बहुत इजिली अवेलेबल हैं, हर जगह आराम से मिल जाती हैं और उनको यूज करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। पेशेंट को अगर आप बता भी देंगे तो खुद भी बना सकता है घर में, आप पेशेंट को बना के दे भी सकते हैं, या फिर मरीज बना बनाए बाजार से खरीद भी सकता है। उसमें सबसे नंबर एक पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ज़्यादा से मतलब बहुत लोग यूज़ नहीं करते, जो यूज़ करते हैं वो लोग बहुत यूज़ करते हैं, और यूज़ कम लोग करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन अगर बात करें साइंस की तो पॉपुलरिटी से ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता हम लोगों को, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आज के ज़माने में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पंचवल्कल क्वाथ या पंचवल्कल काढ़ा एक ऐसी चीज़ है, पंचवल्कल का पाउडर भी कुछ बना के यूज़ करते हैं, पेशेंट को दे देते हैं, जिसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। पंचवल्कल जो है बेसिकली पांच जो पौधे हैं, पंचवल्कल, वल्कल मतलब होता है छाल, पंच मतलब पांच, तो जो पांच पौधे हैं बरगद पीपल गूलर पाकड़ और पारस पीपल, इन पांच पौधों की छालों को, पेड़ की छाल को ले लिया जाता है और उनको कूट पीस करके उनका पाउडर बना सकते हैं, मरीज को पाउडर दे सकते हैं या उसको बोल सकते हैं कि आप जो है इसको पानी में डाल के पकाइए, जब पानी चौथाई रह जाए छान लीजिए और उसको वुंड वॉश से इस बात के लिए यूज करें, या हम डायरेक्ट इनको पंचवल्कल को ऐसा काढ़ा बना करके दे सकते हैं, पर काढ़ा बना के देने में उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। परंतु पंचवल्कल के ये पांचों पौधे हैं, ये हर जगह हर गाँव हर शहर में मिल जाते हैं, मरीज अपने खुद भी जाकर के इनको प्रयोग कर सकता है। पंचवल्कल को ओरल भी दिया जाता है खाने के लिए, खाने में भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल का काम करता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टीज के खाने में भी फायदा करता है और इसको वॉश के लिए यूज करते हैं तो उसमें भी फायदा करता है। करना सिंपल ये होता है कि आप पाँच पौधों को पाँच पाँच ग्राम ले लें, एक चम्मच पाउडर ले लें उसका और उसको 10 लीटर पानी में डाल के उसको खूब देर तक पकाएं। क्वाथ विधि ये होती है कि जब आधा रह जाए तो उसको जो है सिर्फ बात के लिए यूज करें, मतलब उसमें टब में मरीज पायल फिशर फिशला के जो पेशेंट होते हैं उसमें बैठे, या उसको वुंड वॉश के लिए उसको जो गुनगुना निवाया थाने लायक गर्म हो जाए वुंड वॉश के लिए उसको यूज करें। नंबर दो पे बहुत कॉमन मेडिसिन है जो हर घर में होती है, नहीं होती तो हर गली नुक्कड़ मोहल्ले पंसारी के मिल जाती है, वो होती त्रिफला, आंवला हरहर बहड़ा, तीन पौधे के फल होते हैं इसमें बराबर मात्रा में। त्रिफला हम लोग घर में बना सकते हैं, बहुत पानी की जो ये जो चक्की वाले जो होते हैं हम लोग के जो मसाले पीसते हैं बहुत आराम से बना के दे देते हैं, वरना लगभग हर बड़ी कंपनी त्रिफला का पाउडर बनाती है, इसके एक्सट्रैक्ट भी पाउडर बनाती है। त्रिफला का भी सेम वही काम है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल भी त्रिफला। त्रिफला को भी वही चीज़ है कि इसकी जो छाल होती है या फिर उसके पंचांग, पंचांग मतलब उसका जड़ छाल पत्ती तना फूल सब कुछ ले सकते हैं, कुछ नहीं मिले अगर तो छाल ले सकते हैं, छाल निकाले में निकाले केवल पत्ती ले सकते हैं, ठीक। सबसे अच्छा रहता है इसके पत्ती को लें या छाल को लें, दो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होती है। उसको लेकर के उसका वही कॉन्सेप्ट है कि आपको याद होगा कि जब लोग छोटे हुआ करते थे, अभी एक ज़माने में जब माता आती थी देहाती भाषा में बोलते हैं, जब पॉक्स हुआ करता था, चेचक जब हुआ करती थी, तो आज भी गाँव देहातों में नीम के पानी से नहलाने की प्रक्रिया उपयोग करते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करती है, एंटीवायरल भी होती है वो। नीम के इतने गुण है कि इनको हम बखान करना चाहेंगे तो दो चार दिन बीत जाएंगे, वीडियो ख़त्म नहीं हो सकता, नीम के इतनी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वही सेम चीज़ को आत्म बनाने के लिए
या तो मरीज को दे दें, पाउडर दे दें बना करके, और या दूसरे तरीके मरीज को बता दें, मरीज जो है खुद पेड़ की पत्तियां तोड़ लेगा, उसको पका लेगा, वो उसके सिर से बात कर सकता है और वॉश भी कर सकता है। नंबर तीन पे आती है स्फटिक भस्म, जिसको हम लोग और वीडियो में बता चुके हैं। स्फटिक भस्म में मतलब स्फटिक मतलब होता है फिटकरी एलम, जिसको हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, पर घर में यूज कहाँ करते हैं, अगर ध्यान देते हम लोगों की जो शेविंग किट में यूज होते हम लोग करते हैं फिटकरी को, किस लिए कि कहीं शेविंग करते समय रेयर से कहीं गार्लिक शीट अगर जाता है हमारा तो हम लोग उसको लगाते हैं, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है और हिमोशेटिक होती है, खून को रोकने का काम करती है, इसलिए हम लोग उसका काम उसको इम्प्रूव करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा फिटकरी को। और कुछ नहीं मिलता है तो फिटकरी हमारे घर में होती है वुंड वॉश के लिए या सिर्फ बात के लिए, पायल फिशर फिशला के पेशेंट सिर्फ बात करते हैं, उनको सेक बताई जाती है, सेक में कर सकते हैं, करना है कि लगभग 1 से 5 ग्राम फिटकरी को 10 से 15 लीटर पानी में डाल देना, वो अपने आप घुल जाती है, और थोड़ा चला देंगे तो भी घुल जाए, गर्म पानी में घोल लीजिए। गर्म पानी का बेसिक पर्पज होता है, या तो अगर सेक करने के लिए बोला गया तो गर्म पानी सेक में भी काम आ जाता है, दूसरा गर्म करने का तत्पर होता है पानी को शुद्ध करना, पानी ताकि शुद्ध हो सके। वुंड वॉश में होता है आपको डॉक्टर गुनगुने पानी से या गर्म पानी से या ठंडे पानी या सादे पानी से वॉश करने के लिए बोले, वॉश करने के लिए जब वो बोलेगा तो पानी कैसा भी ऊपर शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका कि घर में आर ओ नहीं होता है, फिर घर में डिस्टिल वाटर की सुविधा नहीं होती, तो वो पानी को उबाल करके शुद्ध कर सकता है। तो 10 लीटर पानी में 1 से 5 ग्राम फिटकरी डाल देनी है, ठीक। और फिटकरी अगर नहीं मिलती है तो आप फिटिक वस्त्र नाम से मार्केट में किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर मिल जाएगी, डाल दीजिए आप, और आपका पानी तैयार, उससे आप गरारा भी कर सकते हैं। गरारा मतलब जो मुंह की बीमारियां होती है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, वजन की बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं, सिर्फ बात के लिए जो पाइल्स फिशर के पेशेंट होते हैं, फिशला के खासतौर पर पेशेंट होते हैं, कर सकते हैं। इससे जो मस्से होते हैं सिकुड़ते हैं, ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं और उनसे ब्लड आने की समस्या कम हो जाती है, सूजन कम होती है। अग्नि मिर्ची हम लोग यूज कर सकते हैं वनवास या सिर्फ बात के लिए, वो होती है टंगड़ भस्म। टंगड़ मतलब बोरिक एसिड, बोरस बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसको, हम लोग आम भाषा में घरेलू भाषा में सुहागा बोलते हैं, सुहागा बोल देते हैं इसको हम लोग। बोरिक एसिड या सुहागा को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है, उसकी भस्म को यूज़ किया जाता है। उसकी भस्म को यूज करने के लिए उसको सिंपल कढ़ाई में डालेंगे, उसको जब पकाएंगे आप, जैसे फूला होता है मतलब पॉपकॉर्न जैसे होता है वैसे फटेगा फूल करके, उसे घटना दुर्घटना नहीं होती, बस फूलता है तो फटता है और वो पाउडर जैसा बन जाता है व्हाइट कलर का। तो ऐसे ही आप चकड़ भस्म बना भी सकते हैं सुहागा लेकर के बाजार से, या बनी बनाई भस्म बाजार में आती थी, क्यों मेहनत करनी, आपने पेशेंट को दीजिए या पेशेंट को बोलिए बाजार से भस्म ले लेगा, उसमें वो एक जैसे फिटकरी यूज करते हैं, थोड़ा सा पानी लेना, 10-15 लीटर पानी लेना, उस 1 से 5 ग्राम डाल देना है, और उसको मरीज को सिर से बात या वुंड वॉश के लिए यूज करना है, गुनगुना या ठंडा पानी जैसा डॉक्टर रिकमेंड करता है उसकी तरीके से देखना है। लास्ट में हम बोलेंगे यशद भस्म, थोड़ी महंगी पड़ती है पर जो प्योरीफाइड जिंक ऑक्साइड है इसको यशद भस्म बोलिया जा सकता है, बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक काम करती है, किसी भी म्यूकस मेम्ब्रेन को सूदिंग का काम करती है, हीलिंग का बहुत अच्छा प्रमोशन करती है, हल्के फुल्के घाव को भरने में बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक काम करती है, उसका भी प्रयोग कह सकते हैं, थोड़ी महंगी पड़ती है पर आप देना चाहें दे सकते हैं। वरना सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मरीज को स्फटिक भस्म में, चंगड़ भस्म में और यशद भस्म में तीनों को मिला करके दें तो भी बहुत अच्छा काम करता है। ये हम लोगों ने कुल मिला के 6 मेडिसिन की बात करी, हम लोगों ने पंचवेलकल जो कि 2 प्रकार की हमने बात करी देखा जाए तो, एक काष्ठ औषधि एक रस औषधि। काष्ठ मतलब जो पेड़ पत्ते से बन रही है, पंचवेलकल में 5 पौधे थे, पंचवेलकल त्रिफला में 3 पौधे थे, त्रिफला और नीम। दूसरा हमने बात करी रस औषधि मतलब जो मिनरल मेडिसिन हैं जो कि नेचर से पाई जा रही हैं, मिनरल मतलब जैसे एस्फिटिका या एलम या जिसको हम लोग फिटकरी बोलते हैं, वो टंकड़ या प्यूरीफाइड बोरिक एसिड, यशद भस्म मतलब प्यूरीफाइड जिंक ऑक्साइड, इनका भी यूज कर सकते हैं, छइयों को मिला के यूज कर सकते हैं, अलग यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरी प्रैक्टिस की बात करें, मैं तो इन छइयों का यूज करता हूँ, पहले मैं मरीज को जो है छइयों मेडिसिन को मिला करके दे दिया करता था पाउडर बना करके, फिर मरीज को बोलता था, पर समस्या ये आती है डॉक्टर साहब कि आज की तारीख में मरीज इन सब चीज़ों को ढूंढ नहीं पा रहा होता है, खासतौर पर पंचवेलकल का पारस पीपल और गूलर है वो तो मिलना लगभग असंभव सा हो गया है। कुछ मान्यताओं की वजह से पीपल और बरगद को मरीज काट छील नहीं पाता है, बाकी त्रिफला के सभी तीनों फलों का आंवला हर और बहरा के फलों को इकट्ठा करना, उनकी क्वालिटी का इकट्ठा करना, नीम के लिए पेड़ पर चढ़ना, पत्ते तोड़ना, सब बहुत टेढ़ा काम हो गया। तो मैं तो ये एक टेबलेट आती है डेक्साडीन, डॉक्टर मित्तल कंपनी की डेक्साडीन टेबलेट आती है, ये डेक्साडीन टेबलेट को मैं यूज करता हूँ। डिस्पर्सिबल टेबलेट है ये, डिस्पर्सिबल मतलब पानी में डालो 2 से 5 मिनट में घुल जाती है। इसके अंदर पंचवेलकल भी पड़ा हुआ है, त्रिफला भी पड़ा हुआ है, नीम भी पड़ा हुआ है,
फटीक बस में टेंगड़ बस में निषेध सब कुछ इसके लिए पड़ा हुआ है। जो भी छियो मेडिसिन यूज करते हैं आयुर्वेद में, क्लासिकल मेडिसिन जो हमारी हैं वो डीलिंग के लिए, इसमें छियो चीज़ें पड़ी होने की वजह से इसको यूज करना बहुत आसान हो जाता है। आपको करना बस ये होता है पेशेंट को कि 10 लीटर पानी लेना है, ये टेबलेट आती है ऐसे इसके अंदर 12 mg के आसपास की टेबलेट होती है, और इसको मरीज को 10 से 12 लीटर 15 लीटर पानी लेना है, एक या दो गोली डाल देनी है, 2 से 5 मिनट में घुल जाएगी। उसके बाद चाहे विंड वॉश भी यूज करें, चाहे वो सिर्फ बात के लिए पैरासिशियल फिशला के पेशेंट उसको यूज करें, दोनों में काम आता है। सिर्फ बात के लिए यूज करना, सिकाई करने के लिए यूज करना, तो गर्म पानी में डाल के यूज कर सकते हैं। तो और ये बहुत ही अच्छा वो निहलिंग में काम आता है, कड़ी वुंड में काम आता है, डायबिटिक फुट अल्सर, वेरिकोज अल्सर, एक्ने, पिंपल, फेस वॉश के लिए इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आप इसके पानी को जो आपने 5 लीटर पानी में घोल लीजिए गोली को, और अपने फेस चेहरे को धोने के लिए दिन रोज 2 से 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। सादे पानी से धोने की जगह इस पानी से यूज करें तो एक्ने, पिंपल, जो चेहरे की स्किन है, स्किन की टाइटनिंग है, सब में बहुत अच्छा काम करता है ये। स्किन की कॉम्प्लेंशन में अच्छा काम करता है, स्किन की चमक होती है वो बढ़ाने में काम करता है, और जो दाग धब्बे होते हैं उनको कम करने में काम करता है। अगर आप खाने की बात करते हैं, इसको डाइट खिला भी सकते हैं, 1 से 2 दिन में मरीज खा भी सकता है, पर खाने में जो है ध्यान ये रखना होता है कि खाली पेट दवा ना खाई जाए। यदि खाने में भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और शरीर की हीलिंग प्रॉपर्टी जो पावर होती है इसको बढ़ाता है, तो उससे बड़ा आसान हो जाता है। तो मैं तो डॉक्टर का यूज करता हूँ। आप मेरे लिए, मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा डॉक्टर साहब कि आप लोग अपने पेशेंट को दवा बनाने के लिए बोलें, उनको बोले कि आप ही सारी दवाइयाँ बाजार से ले लें, उनको बना लें, या आप स्वयं पाउडर बनाइए और उसको उन पाउडर को दीजिए। पाउडर देने में दिक्कत आती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, खाना संभव नहीं होता, पर गोली आराम से मरीज खा सकता है। तो इस प्रकार से हम इन छियो मेडिसिन का बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं। अंत में ये वीडियो खत्म करने के समय मैं जरूर बोलूँगा, जो हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, कि ये वीडियो मेरे आम जनता के लिए नहीं होते हैं, डॉक्टरों के लिए होते हैं। तो कृपया आप कोई भी मेडिसिन खुद ना करें, अपने इलाज खुद ना करें, किसी भी डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही किसी भी दवा का प्रयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।